मारूफ ड्रामा निगार इम्तियाज अली ताज 13 अक्टूबर सन 1900 में पैदा हुए। तहरीर और तख्लीक का हुनर उन्हें वर्से में मिला था। ज़माने तालबिल्मी में कई अंग्रेजी ड्रामों के तराजम पेश किए। 1918 में रिसाला कहकशां निकाला, जिसमें उनके दोस्त अब्दुल मजीद सालिक मावन थे। बच्चों के लिए रिसाला फूल निकाला, शेक्सपियर के ड्रामे अ मिडसमर नाइट ड्रीम का उर्दू तर्जमा किया। 1922 में ड्रामा अनारकली तहरीर किया, जो उर्दू अदब का शाहकार करार पाया। अब हमारे दिलो दिमाग हमारे कब्जे में नहीं, सिर्फ तुम्हारे कब्जे में। ये आप क्या कह रहे हैं साहिब आलम, इतनी बड़ी अमानत आप एक कनीज को सौंप रहे हैं। रेडियो से भी वाबस्ता रहे। आजादी के बाद रेडियो लाहौर से रोजाना एक फीचर नशर किया करते थे, जिसका नाम था पाकिस्तान हमारा है। इम्तियाज अली ताज ने उर्दू जबान व अदब के लिए बेशबाह खिदमात सर अंजाम दी। मैं दुनिया की हर शेयर से देने के लिए तैयार हूँ जो मुन्ने से मेरा पीछा छुड़ा दे। मगर उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसका कसूर वही है जो उसकी माँ का था। वो मेरी और मेरे शौहर की मोहब्बत के भीचा रहा। मैंने कहा अभी गाने से जी भरा या नहीं? मैं अगर गाना सकती छीमू तो इस वीराने में घुट कर मर चुकी होती। जब भी तो कहा करती हूँ इस वीराने को छोड़ो और शहर चली चलो। जिसके फिराक में तुम दर्द भरे गीत गाती हो वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा। ड्रामा निगार इम्तियाज अली ताज 19 अप्रैल 1970 को खालिक हकीकी से जा मिले।